सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास बुधवार शाम को लाए हैं कुछ खास। सादर जय जिनेंद्र के साथ। बार बार आपको हम चोट बताते हैं क्यों हो रही है हमारे ऊपर जैन समाज पर, कहीं शर्मसार करते हैं, कहीं साधु के ऊपर, कभी संत के ऊपर, कभी हमारी किसी मूर्ति के ऊपर, कभी तीर्थ के ऊपर, कभी कहीं ना कुछ होती रहती है। ये चित्र देख रहे हैं आप भगवान बाहुबली का, 57 फुट ऊंची उतंग प्रतिका श्रवण बेलगोल, जो इतिहास के अंदर नहीं विश्व के वंडर्स में गिनी जाती है, अद्भुत। और इसके बारे में याद है आपको, जो दृश्य देख रहे हैं यह विजयवाणी अखबार था 2020 में 9-10 अक्टूबर में, जब इसने टिप्पणी लिखी थी, भद्दी जन टिप्पणी इसमें करी थी। बात कब थी? जब कर्नाटक के लोग मास्क नहीं लगा पा रहे थे, उन्हें बार बार सरकार प्रशंसा करता, मास्क लगाओ, नहीं लगाते थे। तो इसने टिप्पणी की, जिस तरीके से भगवान बाहुबली के ऊपर शॉर्ट्स पहनाना मुश्किल है, उसी तरीके से कर्नाटक के लोगों को मास्क पहनाना मुश्किल है। ऐसी भद्दड़ी कहां से कहां मेल करते हैं, हमें तो अफसोस होता है। ऐसी संसद में मेल करती है कि हमारे जैन समाज के खाने के बारे में करती है, ऐसी ये करते हैं। और अब फिर यही घटना एक बार फिर दोहरा दी गई है जो हमारे साथ 1.5 साल पहले हुई थी। और फिर एक बार फिर कर्नाटक उबल रहा है, तब बात थी अक्टूबर 2020 की, और अब बात कर रहे हैं जनवरी के बाद फरवरी 2022 की, क्योंकि 1.5 महीने से ऐसा यहां पर चल रहा है। करे हिजाब पहनो या ना पहनो, अब भगवा स्कार्फ पहनो ना पहनो, जैन समाज को इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। आपको राजनीति करनी है, सांप्रदायिकता रंग देना है, हिंदू मुस्लिम करना है, कुछ भी करिए आप, लेकिन जैन समाज को बीच में घसीटते क्यों हैं समझ ये नहीं आता। महिलाएं हिजाब पहन के कॉलेज आएंगी, बच्चे इसका जो है हिंदू बच्चे स्कार्फ पहन के आएंगे, नेता पीछे लगे हुए हैं और कहते हैं हमारे आम समाज को यही लोग आगे बढ़ाकर इस तरह रंग दे देते हैं, अपनी रोटियां इसी पर से की जाती हैं। जब चुनाव नजदीक आने लगते हैं हर कोई ऐसे करता है, और इसमें जैन समाज को घसीटते हैं, तब हमारे हृदय पर चोट लगती है। ऐसा ही हुआ है। कल श्री विजय टीवी पर एक इंटरव्यू में रिपोर्टर ने पूछ लिया उनसे कि यहाँ पर हिजाब पहनने में और ना पहनने में दिक्कत क्या है, और जवाब क्या दिया, पहले वह शब्द सुनाते हैं जो कन्नड़ में अयूब खान जो लोकल लीडर हैं वहाँ पर, इस बार चुनाव लड़े थे, हार गए थे, उन्होंने क्या कहा था, जरा सुन तो लीजिए। ಈ ದೇಶದ ಮೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಅನುಕಂಪ ಇದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೋಮಟೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಸಿ. ಈ ದೇಶದ ಮೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಅನುಕಂಪ ಇದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೋಮಟೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಸಿ. ಈ ದೇಶದ ಮೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಅನುಕಂಪ ಇದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೋಮಟೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಸಿ. सुना आपने, कन्नड़ में था, कन्नड़ भाई समझ गए इसको, और जो दक्षिण के हैं वह भी समझ जाते हैं कन्नड़ को। पर हम आपको बता दें, ये अयूब खान हैं, 2019 में चुनाव लड़े थे, हार गए थे, बेंगलुरु से हैं और कांग्रेस के नेता हैं। जब हिजाब के बारे में रिपोर्टर ने पूछा कि क्या दिक्कत है तुम्हें पहनने में, उधर भगवा पहन के आ रही है, रंग बदलता जा रहा है, तो उन्होंने जवाब पता क्या दिया था, जो आपने इन लोग कन्नड़ में कहा, इन्होंने कहा कि हिजाब की बात करते हो, ये जो श्रवण बेलगोल के हमारे ये जो खड़े हुए हैं यहाँ पर बाहुबली, इनको चड्ढी क्यों नहीं पहनाते, पहले ये तो बात करो। गजब की, शर्म की, अभद्रता की, किस तरह की टिप्पणी कहाँ कहाँ उड़ाते हैं हमारे जैन समाज को बीच में मिले थे। अरे दुनिया के जो 7 वंडर्स है ना, उसमें गिनी जाती थी, और अब भी अद्भुत आश्चर्य बन जाता है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से उस पर भद्दी प्रतिया, जो भगवान है जिन्होंने दिखा दिया 1 महीने 1 साल खड़े होकर बगैर आहार के किस तरह तप किया जाता है और कैसे भगवान बनाता है, उन पर इस तरह की एक शर्मसार टिप्पणी, क्या कहें ऐसे अभद्र लोगों को जो इस तरह की कहते हैं नेता बन जाते हैं पर इस तरह की गंदी बात करते हैं, शर्म आता है। और हमारी अफसोस ये है, हमारा जैन समाज में कोई बड़ी संगठन है ना कमेटी, उसको पता ही नहीं चलता। अब सुनेंगे तब बात करेंगे क्या हुआ है इसके बारे में, पात्रा के बारे में बताया, उससे पहले बताया, और कल फिर बताएंगे आने वाले समय में, तब भी ये घटनाओं में हमारी कमेटी को कुछ चिंता नहीं होती कि किस तरह हमारे समाज पर, हमारी संस्कृति पर चोट होती रहती है। बात करी फिर हमने कर्नाटक के जैन संगठन से, उन्होंने इनसे बात करी, अयूब खान से हम बात कर रहे थे, बीच में उन्होंने बात के काट दिया कि हम उनको जवाब दे चुके हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया और क्षमा मांगी, रसुन तो लीजिए। ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೋಮಟೇಶ್ವರ್ ನಿಮಗೆ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವ ನೀನು? ತಪ್ಪಂದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲನ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ವಾ? ಏನ್ ನೀವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿತಾನೆ, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೇನು?
ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಜಡಿವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಳಿ? ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಇದೆ. ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಮೇಯರ್ ಪಾಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉಗಿತಾ ಇದಾರೆ. ಯಾಕ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ, ನಾನೀಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ. ನೀವು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿನಾ? ನಾನು ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸಹೋದರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸುರೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು ಮಾಡಿ, ಮಾಡದೇ ರೀ. ನೀವು ನಾಳೆ ನಾ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಏನಂತೇಳಿ ಜೈನ್ ಧರ್ಮದ नेता अपनी बात से कभी मुकड़ जाते हैं, ऐसे पता नहीं चलता। मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, रिपोर्टर ने अपना सवाल नहीं दिखाया, असली गलती रिपोर्टर की थी, जवाब ये दे देते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, रिपोर्टर ने पूछा ही सवाल इस तरह से था। यही हमारे नेताओं के अंदर खराबी है, कहीं के नेता हो कहीं के हो, सब एक ही कहते हैं, सब एक से हैं। बात हम अब शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहते, क्योंकि भाषा की सम्मान इधर रखनी जरूरी है। पर अगर इस तरह की बात करते हैं, उन्हें माफी मांग के क्षमा मांगनी पड़ेगी, उसी तरीके से इस टीवी के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने ये बदतमीजी करने की कोशिश की थी। हमारी संगठन, अगर हमारी समितियां मिलकर आवाज उठाएंगी तो शायद कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कल संसद में उठती है, आज यहां उठती है, और कल दिखाएंगे आपको, कभी आपको आने वाले, कि भारत के बाहर भी इसी तरह की बदतमीजी होती है। सादर, जय जिनेंद्र।